बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपको जिन घड़ियों का इंतज़ार था वो आ गई हैं, क्योंकि आज 30 मई है और मदरसा बोर्ड का एग्ज़ामों का रिज़ल्ट निकल चुका है। आप अपना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अपने मोबाइल पर कैसे देखेंगे और कैसे चेक कर सकते हैं और हर क्लास का रिज़ल्ट आपको कैसे देखना है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में मदरसा बोर्ड के बारे में कुछ बताया था, लेकिन लोगों के कमेंट्स, निगेटिव कमेंट्स से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और मैं सोच रहा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँ, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर और कुछ लोगों की दरख्वास्त पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा शरीर गर्मी पड़ रही है, लेकिन मैं गर्मी में बैठकर ही आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ मैं अपना रिज़ल्ट लाइव निकाल कर। आप अपना रिज़ल्ट कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको लिए चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और हम आपको लिए चलते हैं गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम खोलेंगे और गूगल क्रोम खोलकर हम टाइप करेंगे मदरसा बोर्ड, MADRA मदरसा बोर्ड, upsdc.gov.com रिज़ल्ट वगैरह ये टाइप करेंगे। इस तरह मदरसा बोर्ड की साइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी ये रिज़ल्ट एक घंटा पहले निकला है, तो साइट बहुत ज़्यादा बिजी है और अभी इसको खुलने में बहुत टाइम भी ले रही है। ये साइट बहुत ज़्यादा बिजी है और ये खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रही है। साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। अभी तो मैंने खोला था, एकदम दो तीन लोगों का मैंने रिज़ल्ट देखा है, तुरंत खुल गई थी, लेकिन जैसे ही वीडियो बना बैठा हूँ दिख कर रहा है, ये साइट ही दिख कर रही है। अब पहले तो अच्छी खास खुल गई थी, देखो दोस्तों ये साइट खुल गई है। और ये साइट खुलने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है, इसको पूरी तरह खुलने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है साइट। ये साइट पूरी तरह खुल गई है, थोड़ा सा हमको स्क्रॉल कर करके नीचे को आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन एग्ज़ाम रिज़ल्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद में दोस्तों आपको दिखाई देगा एनुअल एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2020 ऑन वार्ड, ये ऊपर चला गया, तो दोबारा नीचे आने दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वरना इतनी देर नहीं लगती है, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। आप बहरहाल वीडियो को देखते रहें और वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके सामने आती रहें। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा आपके सामने, एनुअल एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2020 ऑन वार्ड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक पेज ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा बिजी है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, साइट बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत टाइम ले रही है खुलने में ये, वरना इतना टाइम नहीं लगता है, दो मिनट में सारा काम हो जाता है। दोस्तों ये साइट खुल गई है, अब आपको अपना रिज़ल्ट देखना है तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन है, सेलेक्ट ईयर, सेलेक्ट क्लास, एंटर रोल नंबर और एंटर कोड ईयर। तो आपको सेलेक्ट ईयर पर पहले करना है क्लिक। यहाँ पर आपको 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ये पाँच साल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको 24 का देखना है तो 24 में आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सेलेक्ट क्लास करना है, जो आपका क्लास हो, सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो या कामिल हो या फाजिल हो, आपका जो भी हो देख सकते हैं। मेरे को सेकेंडरी देखना है तो मैं आपको सेकेंडरी करके दिखाता हूँ। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर अपना डालना है रोल नंबर, रोल नंबर जैसे है 157 मेरा, 10 13 467, ये मेरे दोस्त का है, एक मेरे वीवर का एग्ज़ाम दिया था, उसका रोल नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक 10 57 157 10 13 467, आपको ये लिखा हुआ है, आपको ये एंटर हीयर करना है। जैसे ही लिखा हुआ ऐसे ही कैपिटल में ई है तो ई टाइप कर देंगे, फिर स्मॉल में ए, फिर स्मॉल में डब्लू, फिर स्मॉल में एम, फिर कैपिटल में वाई, और उसके बाद में दोस्तों ये कर देंगे हम सबमिट। थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका रिज़ल्ट आपके सामने निकल कर इंशाल्लाह आ जाएगा, आप देखते रहें। बहुत टाइम ले रहा है यार, ऐसी इतनी साइड इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है,
कि मैं भी परेशान हो रहा हूँ, आप लोगों को भी टाइम लग रहा है, मेरा भी टाइम ख़राब हो रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और यही अगर आप रिज़ल्ट कल निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल लेगा, क्योंकि कल इतनी साइट बिजी नहीं रहेगी जितनी अब बिजी चल रही है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है साइट इस वक्त, बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रही है साइट। चलो भाई चलो 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 चलो, अब मैं काटता हूँ तो फिर दोबारा करना पड़ेगा सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा साइड बिजी चल रही है। आप वीडियो को देख थोड़ा सा, भाई साहब जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप वीडियो को थोड़ा सब्र रख कर जो है देखें, ज़्यादा जल्दी ना करें, थोड़ा सब्र रख रख कर देख सकते हैं। देखिए ये आप खुलने वाली है, ये नीली लाइन चल गई तो खुलने वाली है साइड, इसी तरह आपका रिज़ल्ट जो है एक मिनट के अंदर आपके सामने आ जाएगा। ये साइड लाइन पूरी हो जाएगी ऊपर वाली तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा बिजी चल रही है, देखिए आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है। ये हमारे एक वीवर का रिज़ल्ट है, नईम उल हक इनका नाम है और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। ये फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, 600 में से 443 इनके नंबर हैं और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह आप दोस्तों अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो ये सेकेंडरी का इनका रिज़ल्ट है, ये पास हो चुके हैं और इनको मुबारकबाद, और ये फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं और इनका 600 में से 443 नंबर आया है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको देखना है और किसी और क्लास का तो आप और क्लास का भी देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि अपना रिज़ल्ट आप मोबाइल पर कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों साइट बहुत ज़्यादा बिजी है और इतनी बिजी चल रही है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। मैं आपको और भी रिज़ल्ट निकाल कर दिखाता लेकिन बहुत ज़्यादा साइट बिजी है, बहुत स्लो चल रही है और अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। इसी तरह आप अपना रिज़ल्ट अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और जो लोग पास हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं और जो फेल हो गए हों खुदा ना खास्ता वो मायूस ना हो, अगले साल के लिए कोशिश करें। और मैं आपको यहां पर छोटी चीज़ पर सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने मदरसा बोर्ड के रिज़ल्ट आने में थोड़ी सी नाराज़गी जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ज़िला अध्यक्ष मौलाना जमीर अहमद निज़ामी ने कहा कि सभी बोर्डों के नतीजे जाहिर हो चुके हैं, आ चुके हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड के नतीजे घोषित हुए और ये इसमें 180,000 छात्र छात्राओं ने को परेशानी है। और कहा अगर 30 मई को रिज़ल्ट घोषित हुआ है तो ज़्यादातर विश्वविद्यालयों के एडमिशन की तारीख ख़त्म हो जाती है। मदरसा बोर्ड बच्चों के साथ में यानी कि बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए अपने रिज़ल्ट को बहुत देरी से निकालता है। अगर मदरसा बोर्ड से फारिग तलबा जो कामिल या आलिम या मौलवी के जो है तलबा फारिग हो चुके रहते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेना चाहें तो वहाँ पर दाखिला नहीं मिल पाता क्योंकि रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा देरी हुई है और देरी हुई इसके बाद में अब मार्कशीटें आएंगी तो उसमें देरी लगेगी और फिर जो है एडमिशन होने बंद हो जाते हैं। तो इसमें जो है मदारिस अरबिया के ज़िला अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी जताई है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगी, अच्छा लगी तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके सामने ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने आती रहें। दोस्तों गर्मी में वीडियो बनाई है और ज़्यादा इसमें एडिटिंग मैंने नहीं की है, बहरहाल कहीं कहीं कोताही हो तो आप जो है इसमें उसको नज़रअंदाज करें, दरगुजर करें। ठीक है, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।